बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रोमांटिक एज एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द बुक ऑफ बी आर मलिक, अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेट्स स्टार्ट। आज हम जो है रोमांटिक एज डिस्कस करेंगे। बी आर मलिक की जो बुक है वहाँ से हम जो है रोमांटिक एज का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी डिस्कस करेंगे। चले आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोमांटिक एज जिसका यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है 1798 से 1824 तक जो है लिखा हुआ है कि स्टार्ट हुई होती है ये 1798 से और ख़त्म होती है 1824 से। अभी तक हमें ये पता है कि जो रोमांटिक एज है वो वर्ड्सवर्थ की वजह से जो है वो स्टार्ट होती है, लेकिन वर्ड्सवर्थ से पहले भी कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने रोमांटिक एज की बुनियाद रखी, जिन्हें प्री रोमांटिक राइटर्स भी कहा जाता है। यानी कि वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, केट्स, शेले से पहले भी कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने एक स्टेज तैयार किया, एक टेस्ट डेवलप किया, और उनमें जो मोस्ट फेमस है वो है रॉबर्ट बर्न्स एंड विलियम कॉपर। तो जो है क्या कहते हैं, रोमांटिक एज की जो है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं जो माना जाता है कि अब स्टार्ट हुई है, तब स्टार्ट हुई है, बट जो ऑफिशियली जो रोमांटिक एज स्टार्ट होती है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक जो है पोइम्स की कलेक्शन पब्लिश हुई थी, लिरिकल बैलेड, उससे एक्चुअली जो है क्या कहते हैं रोमांटिक एज की जो है वो रोमांटिक एज का स्टार्ट माना जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं डिटेल्स स्टडी। द रोमांटिक पीरियड इज सम टाइम कॉल्ड द एज ऑफ रेवोल्यूशन टू। तो जब रोमांटिक एज स्टार्ट होती है तो इससे पहले जो है उस वक्त कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल इश्यूज क्या चल रहे थे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि रोमांटिक एज जो है वो एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि उन दिनों जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बाकी यूरोप कंट्रीज जो थी उसको इन्फ्लुएंस किया था। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो 1789 से 1799 तक जो है इसका क्या कहते हैं एज ड्यूरेशन माना जाता है। तो इसी वजह से इसे एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता था। अब फ्रांस के कुछ लोग थे, ठीक है, उन्होंने एक तहरीक चलाई हुई थी। वो चाहते थे कि जो है क्या कहते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रटर्निटी जो है मुल्क में हो। फ्रांस के लोग जो है ये चाहते थे। अब जो है ना फ्रांस के लोगों से बहुत ज़्यादा जो है ममालिक, बहुत ज़्यादा यूरोप कंट्रीज जो है वो इन्फ्लुएंस हुए, और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वालों में ब्रिटेन शामिल था। डेमोक्रेसी को लाने में ब्रिटेन का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसीलिए रोमांटिक एज को एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन ऑफ 1776 जी इसी ड्यूरेशन में, ठीक है, रोमांटिक एज के स्टार्ट होने से 1798 से पहले जो है अमेरिका भी आज़ाद होता है। एंड द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, एंड द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रटर्निटी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन मेरिट अ टाइम ऑफ होप एंड चेंज। अभी देखें यहाँ पे लिबर्टी, आज़ादी, इक्वलिटी, बराबरी एंड फ्रटर्निटी जो है भाईचारा, ठीक है, फ्रेंच के लोग जो है क्या चाहते थे, ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन मेरिट अ टाइम ऑफ होप एंड चेंज। अभी मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी जो है मतलब फ्रेंच पीपल से जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे वो ब्रिटेन के लोग थे, और ब्रिटेन जो है डेमोक्रेसी लेके आई। तो ब्रिटेन का भी यही मानना था कि इंसान इक्वल है और सबको ही इक्वल जो है राइट्स मिलने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे जो है कहते हैं सोशल प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे, जैसे ग़ुलामों की खरीदो फरोख्त का खात्मा, ठीक है, इस तरह के इशू चल रहे थे, और बहुत सारे जो है क्या कहते हैं केसेस चल रहे थे, जैसे गरीबों की मदद करें, पुअर रिलीफ,
इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रिजन कंडीशन, जेलों की हालत बेहतर करें, ये कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। गरीबों की मदद करें, गुलामों की तिजारत पर ख़रीदो फरोख्त का खात्मा करें और जेलों की हालत बेहतर करें। इन शॉर्ट लोग चाहते थे कि सोसाइटी में भाईचारा हो, ठीक है, हम एक दूसरे की केयर करें, बराबरी जो है एक दूसरे की बराबरी करें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही थी और एक और जो चेंज आ रहा था वो ये कि बहुत सारे आयरिश लोग इंग्लैंड में जो है माइग्रेट हो रहे थे, इंग्लैंड में जो है क्या कहते हैं आकर रहना शुरू हो गए। तो इस तरह आयरिश और इंग्लैंड में जो है एक अजीब ही क्लैश चल रहा था। उसके अलावा बहुत सारी सोल्जर्स को भी नौकरी से निकाल दिया गया था कि उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई थी। अभी हमने यहाँ द अमेरिकन रेवोल्यूशन को अमेरिकन जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। ब्रिटेन पार्लियामेंट में अब ये अमेरिकन रेवोल्यूशन कैसे आया था, ब्रिटेन पार्लियामेंट में अमेरिकी कॉलोनियों के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था, अमेरिकी कॉलोनियों के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। ऐसे जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन आया 1776 में, और इस तरह इस अमेरिकन रेवोल्यूशन को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो ये हालात जो है इस वक्त, मतलब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम डिस्कस कर रहे हैं कि उस वक्त जो है वो क्या हालात चल रहे थे। विलियम वर्ड्सवर्थ इन द प्रीलूड रोट, ब्लिस वॉज इट इन द डन टू बी अलाइव। अब वर्ड्सवर्थ की प्रीलूड जो है ये किसकी लॉन्ग नरेटिव पोइम है, ठीक है, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो है बायोग्राफिकल एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। तो उसमें उसने लिखा है कि ब्लिस वॉज इट इन दैट डन टू बी अलाइव, मतलब किसी नेमत से कम ना था उस दौरान जिंदा रहना। दिस शोज द होप फॉर द फ्यूचर व्हेन फ्रेंच पॉलिटिक्स चेंज्ड। अब वो जो है कहते हैं कि ये जो है इनका ये कहना जो है दिस शोज, ये दिखाता है मुस्तकबिल के लिए उम्मीद कि एक नया कल आएगा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी चल रहा था, अमेरिकन रेवोल्यूशन थी, एंड एक सीरीज चल रही थी वॉर की, एक के बाद जो है ना वॉर चल रही थी, जंगें हो रही थी। तो वर्ड्सवर्थ ने अपने जो बायोग्राफिकल एलिमेंट्स डिस्कस करे किए हैं प्रीलूड में, उसने कहा कि जो है किसी नेमत से कम ना था, अगर हम आज जिंदा हैं तो किसी नेमत से कम नहीं है, टू बी अलाइव। व्हेन फ्रेंच पॉलिटिक्स चेंज्ड एंड मेनी राइटर्स लाइक वर्ड्सवर्थ होप द सेम वुड हैपन इन ब्रिटेन। अब जो है फ्रांस में ना बहुत अजीब हालात चल रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, तो क्या कहते हैं वॉर पे वॉर हो रही थी। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह वर्ड्सवर्थ को लगा कि जैसे फ्रांस में हो रहा है, फ्रेंच लोग पीपल के साथ हो रहा है, तो मैनी राइटर्स, बहुत सारे जो लिखने वाले थे वर्ड्सवर्थ की तरह, उन्होंने भी जो है उनको भी ऐसे लगा कि ऐसा ही ब्रिटेन में कुछ होगा। बट द रेन ऑफ टेरर बिगन इन 1793, वार ऑफ टेरर, ठीक है, खौफ ही जंग जो है 1793 में शुरू हुई। अब ये वार ऑफ टेरर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ ना बट द रेन ऑफ टेरर बिगन इन 1793, तो ये रेन ऑफ टेरर क्या है। द वॉर ऑफ टेरर वॉज अ पीरियड ऑफ अबाउट 11 मंथ्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसी इनकलाब के दौरान 11 महीनों पर मुश्तमिल एक पीरियड शुरू हुआ था जिसे वॉर ऑफ टेरर कहा जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, ठीक है, 11 महीनों पर मुश्तमिल था। और हुआ क्या था इसमें, ये वार ऑफ टेरर इसको क्यों कहा जाता है, इन 11 महीनों के दौरान फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फ्रांस में जो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनको फांसी दी जा रही थी, इसलिए इसे वार ऑफ टेरर कहा जा रहा है।
और इस टेरर में कोई 18,000 से 40,000 तक लोगों की जानें गईं। और फिर इसके बाद जो है द पीरियड ऑफ नेपोलियन फॉलोड रैपिडली, और फिर इसके बाद जो है नेपोलियन जो है वो फ्रांस का एम्परर बनता है। एंड बाय द अर्ली 1800s मोस्ट ऑफ द यूरोप वॉज एट वॉर अगेंस्ट फ्रांस। और 1800 के 18वीं सदी के इब्तदाई मरहले में या इब्तदाई सालों में जो आधे ज़्यादातर जो यूरोप था, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, वॉज एट वॉर, जंग पर थी अगेंस्ट फ्रांस, फ्रांस के खिलाफ। सो द पोइट्री ऑफ द रोमांटिक सो द पोइट्री ऑफ द रोमांटिक्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज लिरिकल बैलेट। सो द पोइट्री, ठीक है, इसीलिए जो पोइट्री है रोमांटिक्स की, वर्ड्सवर्थ से, फ्रॉम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज लिरिकल बैलेट, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज से लिरिकल बैलेट इज मैनी वेज वेज पोइट्री ऑफ वॉर। तो बहुत जो है इन मैनी वेज, बहुत सारे जो है तरीकों में, ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे तरीकों में जो है इन मैनी वेज पोइट्री ऑफ वॉर, जंग की शायरी भी हम कह सकते हैं। बहुत सारे उसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हम पोइट्री ऑफ वॉर भी कह सकते हैं, जंगी पोइट्री। सोसाइटी वॉज चेंजिंग, माशरा जो है वो बदल रहा था, बिकमिंग इंडस्ट्रियल, ठीक है, बिकमिंग इंडस्ट्रियल, सन्नती हो रहा था, सन्नत को बहुत ज़्यादा फ़रोग दी जा रही थी, रादर देन एग्रीकल्चर जो है ज़राअत की बजाय सन्नत पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा था। एज टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप, टाउन्स और जो सिटीज़ थे, जो कस्बे थे, जो दही इलाके थे, वो जो है क्या कहते हैं डेवलप हुए। द गवर्नमेंट इनकरेज फ्री ट्रेड, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने जो है फ्री तिजारत पर, ठीक है, फोकस किया, इनकरेज किया, हौसला अफजाई की। द न्यू मिडल क्लास बिकेम पावर एंड देयर वर मूव्स टूवर्ड्स वोटिंग रिफॉर्म। अब क्या कहते हैं, देयर वर मूव्स न्यू मिडल क्लास बिकेम पावर। अब जो मिडिल क्लास थी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं ऊपर ऊपर आ रही थी, अथॉरिटेटिव हो रही थी, ठीक है, मजबूत हो रही थी। एंड देयर वर मूव्स, और पेश कदमी हुई, मूव्स पेश कदमी हुई, ठीक है, टुवर्ड्स वोटिंग रिफॉर्म, वोटिंग रिफॉर्म। वोटिंग इस्लाहात की तरफ जो है ना पेश कदमी हुई, यानी कि इससे पहले जो है क्या कहते हैं इंग्लैंड में वोट का वोटिंग राइट्स नहीं थे, ठीक है, एंड ग्रेटर डेमोक्रेसी, ठीक है, और डेमोक्रेसी की तरफ जो है ना पेश कदमी हुई, क्योंकि पहले मोनार्क से डेमोक्रेसी नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत सारे यूरोपियंस जो है क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड हुए, और जो उनका नारा था कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रटर्निटी होनी चाहिए, तो वही जो है ब्रिटेन ने भी इस बात पे एग्री किया। एंड डेमोक्रेसी लाने में जो सबसे ज़्यादा हाथ है वो ब्रिटेन का है। बट द चेंज वॉज स्लो, अब जो तब्दीली थी वो बहुत आहिस्ता थी। एंड देयर वॉज लॉट ऑफ सफरिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात थी, स्पेशली अमंग द पुअर, ख़ास तौर पर गरीबों के दरमियान। दे हैड टू मूव फ्रॉम द कंट्री टू द सिटी, उन्हें जो है वो क्या कहते हैं मूव करना पड़ा, उन्हें जाना पड़ा कंट्री से सिटी की तरफ। द सोल्जर्स हु रिटर्न आफ्टर नेपोलियंस फाइनल डिफीट एट वाटरलू इन 1815 फाउंड देमसेल्व्स अनएम्प्लॉयड। अब जो अभी हमने यहाँ पे बात की कि नेपोलियन जो है मतलब फ्रांस में बहुत जो है हालात ख़राब चल रहे थे और लोगों को फांसी दी जा रही थी, तो उसके कुछ अरसे बाद जो है फ्रांस का एम्परर नेपोलियन बन जाता है। और नेपोलियन ने 19वीं सदी के शुरू में यूरोप पे बहुत ज़्यादा जो है मतलब यूरोप पर फतह हासिल की, ठीक है। अब ये वाटरलू के मकाम पर, ठीक है, जंग हुई, वाटरलो की जंग में नेपोलियन की फ़ौज को बरतानियों ने
मतलब ब्रिटेन ने शिकस्त दे दी। वाटरलू के मुकाम पर जंग होती है नेपोलियन के साथ ब्रिटेन की इंग्लैंड की 1815 में। ठीक है, अब ये जो सोल्जर्स थे ब्रिटेन के जिन्होंने नेपोलियन के डिफीट में, उसकी शिकस्त में, ठीक है, हिस्सा लिया था, उस जंग में हिस्सा लिया था, फाउंड देमसेल्स अनएम्प्लॉयड, अपने आप को जो है बेरोजगार पाया। ठीक है, अब वही सोल्जर्स, बरतानवी सोल्जर्स जब वापस लौटे तो खुद को बेरोजगार पाया नेपोलियन जंगों के खात्मे के बाद। जो है मतलब नेपोलियन के साथ जो जंग हुई उसके बाद ब्रिटेन को, इंग्लैंड को एक जो है शदीद माशी बहरान का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी थी, फसल की कटाई जो है बहुत थोड़ी थी, तो इस तरह के हालात उनको फेस करने पड़े। अब उसकी वजह से क्या हुआ, देर वर मेनी सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। अब जो है माशर्ती और सियासी जो है बहुत सारे जो है मसले थे। द वर्स्ट एग्जाम्पल, अब उसमें सबसे जो मतलब वर्स्ट एग्जाम्पल है, बदतरीन मिसाल है, और विच वॉज द पीटरलो मैसेकरे ऑफ 1819 व्हेन गवर्नमेंट सोल्जर्स अटैक्ड अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स। अब इनमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो पीटरलो की है। ठीक है, 1819 में। अठारह सौ उन्नीस में है जब गवर्नमेंट सोल्जर्स, ठीक है, जो क्या कहते हैं सरकारी सोल्जर्स थे, उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी जो है ब्रिटेन की पॉलिसी के ख़िलाफ़, ठीक है, प्रोटेस्ट जो मुजाहिरा कर रहे थे, उनमें से 11 लोगों को मार दिया और 400 के करीब लोगों को ज़ख्मी कर दिया। तो ये उस वक्त के हालात थे, ठीक है, जिसकी वजह से रोमांटिक एज की बेस बनती है। उस वक्त हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे, ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि क्यों इस एज को एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्यों इस एज को इस एज को एज ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, एज ऑफ रोमांटिक एज कहा जाता है। चलें नेक्स्ट हम जो है वो पढ़ते हैं। इन लिटरेचर रोमांटिक राइटिंग इज मोस्टली पोइट्री। ठीक है, अब ये जो रोमांटिक एज है इसमें जो ज़्यादातर राइटिंग लिखी गई वो पोइट्री है, वो शायरी है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज वांटेड अ रेवोल्यूशन टू। अब जैसे जो है पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे, सोशल चेंजेस आ रहे थे, इंडस्ट्रियल चेंजेस आ रहे थे, इसी तरह लिटरेरी राइटिंग में, लिटरेचर में भी चेंजेस आ रहे थे। वर्ड्सवर्थ और कॉलेज चाहते थे कि लिटरेचर में भी जो है वो इनकलाब आए। किस तरह से इनकलाब आए, क्योंकि 18वीं सेंचुरी में जो लिटरेचर लिखा जा रहा था वो स्टैंडर्ड पर, पैटर्न्स पर लिखा जा रहा था, तो एंशियंट राइटर्स को इमिटेट किया जा रहा था इन पोइटिक लैंग्वेज। ठीक है, अब वर्ड्सवर्थ और कॉलेज किस में इनकलाब चाहते थे, पोइटिक लैंग्वेज में, शायरी ज़ुबान में, यानी कि जो सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज है उसमें भी चेंज आना चाहिए, वो भी चेंज होनी चाहिए, और उसके अलावा थीम का भी चेंज हो, विट कंट्रास्टेड विद अर्लीस्ट अगस्टन एज, अगस्टन एज के मुवाजने के तौर पर। ठीक है, अगर अब रोमांटिक एज में जो सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज है, पोइटिक लैंग्वेज है और थीम है, उसको चेंज होना चाहिए इन कंपैरिजन विद अगस्टन एज। देन द हार्ट कंट्रोल्ड हेड कंट्रोल्ड द हर्ट। देन यहाँ पे 18वीं सेंचुरी की बात हो रही है, रोमांटिक एज से पहले जो राइटर्स थे, रोमांटिक राइटर्स से पहले जो राइटर्स थे उनकी बात हो रही है कि दिमाग ने दिल को दिल पर काबू किया, पहले पहले की बात हो रही है। नाउ द हार्ट कंट्रोल द हेड, अब दिल ने दिमाग को काबू किया। फॉर अगस्टन्स फीलिंग्स एंड इमेजिनेशंस वर डेंजरस। अब जो अगस्टन्स थे, ठीक है, उनके लिए फीलिंग्स इमेजिनेशन खतरनाक थी। मतलब उनको लगता था, जो अगस्टन राइटर्स थे उनको लगता था कि पोइट्री में, लिटरेचर में फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए।
जज्बात नहीं होना चाहिए, एहसास नहीं होने चाहिए, लेकिन रोमांटिक्स को लगता था कि रीजंस इन द इंटेलेक्ट,